ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विदिशा सागर हाईवे स्थित श्री गिरधर कॉलोनी, जहाँ पर होने जा रही है शिव महापुराण की कथा। श्री अंतरराष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख्य वाणी से होने जा रही यहाँ पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। तो आइए आपको ले चलते हैं पंडाल की ओर। और यहाँ पर कथा चल रही है, और उस कथा की तो जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। पहले आपको बता देते हैं कि पंडाल में अभी तक कहाँ पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पंडाल की तैयारियां चल रही हैं, पंडाल बनने में लगा हुआ है, अधूरा काम है पर हो जाएगा, आज शाम तक यह भी हो जाएगा। अब आपको और आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं बाकी और सारा पंडाल की क्या 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 कार्यक्रम चल रहा है। अभी अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ऊपर की सीलिंग्स का तो काम सारे हो चुका है। अब नीचे के यह देखे तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद यह श्रद्धालु हैं जो कि अभी से आना चालू हो चुके हैं। बाकी और पंडाल की जानकारी मैं बताऊं तो अभी यहाँ पर बैठने लायक व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ शाम तक यहाँ पर भी बैठने लायक व्यवस्था हो जाएगी, जैसा कि इन्होंने बताया हमें। तो सामने की तरफ अभी खुला हुआ है और ऊपर भी सीलिंग्स लग चुकी हैं, बैठने के लिए शाम तक कार्यक्रम हो जाए। और अब ये छोटा पंडाल देख सकते हैं, यहाँ पे भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था कराई गई है। मैंने सुना हुआ है और यहाँ तक देखा हुआ भी है कि शिव महापुराण की कथा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे जगह भी कम पड़ जाती है, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर भक्तों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से होती है, लाखों में भक्त यहाँ पर आते हैं 7 दिन से महापुराण कथा सुनते हैं। जैसा कि आप पंडाल में देख पा रहे हैं अभी फिलहाल तो सीलिंग वगैरह लग चुकी है, ऊपर कपड़े आप देख सकते हैं बस नीचे बैठने के लिए, जो कि आज शाम तक लगभग यह पूरा हो जाएगा। इसी बीच हम आपको और ले चलते हैं आगे। हम आपको यह बता दें कि पंडित जी की कथा जो भी होती है वो लगभग 7 से 8 दिन की ही होती है। यहाँ पर विदिशा में यह दूसरी बार होने जा रही है जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा है। कथा का समय जो है वो लगभग 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का बताया गया है, और यह 7 दिन चलेगी। 7 दिन कब तक? 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक कथा चलेगी, गिरधर कॉलोनी विदिशा सागर हाईवे पे स्थित। तो जो लोग भी कथा सुनने आ रहे हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।